इस वीडियो में हम ये प्रोग्राम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19, के 1 से लेकर 19 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट किया जाए फॉर लूप के जरिए सी लैंग्वेज में। इसे करते हैं जी प्रैक्टिकली। तो सो आईडी को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, वो उसी तरह से न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन ऐड करते हैं, ओके जी। सबसे पहली बात कि एक लूप एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, एक लूप एग्जीक्यूट करते हैं जी फॉर लूप। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं आई नाम का, किसी भी नाम का आप ले सकते हैं, मैंने आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैं 1 रख देता हूँ क्योंकि 1 से लेकर 19 तक जाना है। सो आई लेस देन इक्वल टू 19 मैं रख देता हूँ क्योंकि लूप के दिन मरतबा एग्जीक्यूट करना है 19 बार। तो कंडीशन से यहाँ से हमें पता चलता है दरअसल लूप ने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से और यहाँ से पता चलता है। तो 1 से लेकर 19 तक मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्योंकि इवन नंबर में ऑड नंबर मैंने शो करने हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, आई में प्लस प्लस नहीं करता, मतलब 1 by 1 इंक्रीज नहीं करूँगा वैल्यू। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस यहाँ पर 2 कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए जब भी एग्जीक्यूट होगा ना तो अब एक वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, 2 होगी, 2 एक में 2 ऐड किए जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड किए जाएंगे तो 5 हो जाएगा। दैट्स बात है, मतलब कि आई में हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं, तो हम सिंपली उसे डिस्प्ले कर देंगे। आई की वैल्यू को शो करवा देते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूं। इसे मैं कंपाइल एंड रन करता हूं, ले जी आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन आप देख सकते हैं आगे। चलिए जी ऐसा करते हैं, न्यू लाइन पर शो करवाते हैं, जब भी एक ऑड नंबर शो हो जाए तो न्यू लाइन भी ऐड होनी चाहिए। ये लें जी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर बुक में है कुछ इस तरह से, राइट। इन्होंने बीच में थोड़ी सी एक सिंगल स्पेस दी है, तो हम यहाँ पर एक सिंगल स्पेस भी रख सकते हैं, न्यू लाइन रख लें, कोई इतना इशू नहीं है इस चीज़ से, तो सिंगल स्पेस भी रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। ये देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 क्लियर हो गया जी। तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। तो यहाँ पर आई में अभी 1 है, तो 1 + 2 करेंगे तो जाहिर सी बात है आई में क्या चला गया, 3, 1 + 2 तो 3 हो गया, 3 इसमें चला गया, तो 3 < 19 तो 3 वाली वैल्यू यहाँ पर शो होगी। यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर जाना है कि 3 + 2 = 5, 5 आई में चला गया, 5 < 19 कंडीशन ट्रू होगी, फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो 5 डिस्प्ले हो जाएगा एंड सो ऑन। ये 19 तक ऐसे सिनेरियो चलता रहेगा, जैसे 20 या 20 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पर ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई होप ये तो समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए इसी तरह से ना कुछ मिलता जुलता ये प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर फॉर लूप टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 21 to 30, कि 21 से लेकर 30 तक आपने इवन नंबर्स जितने भी हैं ना उनको फॉर लूप के जरिए प्रिंट करना है। तो वो कैसे करें, इन्होंने इफ़ कंडीशन लगाई है, तो आप ज़रूरी नहीं इफ़ कंडीशन लगाएं, आप सिंपली ऐसा करें ना, लूप कहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करें, 21 से 30 तक लूप को एग्जीक्यूट करें। और जैसी बात है इवन नंबर ऐड करने हैं ना, तो आपको 21 के बाद कब इवन मिलेगा, मतलब जाहिर सी बात है एक इंक्रीज करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी 22, लेकिन नेक्स्ट टाइम 23 भी हो जाना है, सो ये तो नहीं चलेगा सीन। फिर यहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इधर प्लस लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ तो फिर आप ऐसा करें, ये 20 से लूप स्टार्ट करें, तो इसमें आप आई प्लस 2 कर दें, मतलब ऐसी बात है 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, फिर ऐसी बात है यहाँ पर कंट्रोल आना है तो 22 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 24 हो गया, 24 आई में चला गया, 24 < 30 के कंडीशन ट्रू होगी, फिर से ये चलेगा एग्जीक्यूट होगा ये ब्लॉक, तो यहाँ पर प्रिंट एफ में 24 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। कंट्रोल यहाँ पर आएगा 24 + 2 हमारे पास हो गया जी 26,
26 आई में चला गया, 26 लेस देन है इक्वल टू है 30 के, कंडीशन ट्रू हो जानी है, फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से आपके इवन नंबर भी शो हो जाएंगे। ये लें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, 22, लेकिन हमें तो 20 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 21 से, यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम में मेंशन है कि 21 से 30 तक चाहिए। तो इसका क्या हाल है, आप लें जी। तो फिर हम ऐसे ही करते हैं ना इसको, कि इसको वन बाय वन एक एक करके इंक्रीज करते हैं, कि 20 से ये 21 से ये स्टार्ट हो, 21 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर जैसे आएगा तो यहाँ पर चेक किया जाएगा इफ कंडीशन में कि अगर आई को क्या किया जाए, रिमाइंडर डिवीजन की जाए 2 के साथ, अगर तो इसका जवाब आ जाए यहाँ किसके बराबर है, 0 के, मतलब कि रिमाइंडर आपको पता ही क्या होता है, तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर आपने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। राइट, लेट्स बात है 21 है, 21 को 2 पर रिमाइंडर डिवीजन की जाए, एक दो रिमाइंडर 0 नहीं आना, तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आएंगे बाहर, यहाँ से फिर कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, 21 से ये आई वैल्यू 21 है अभी, तो आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू हो जाएगी 22 लेस देन इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि 22 लेस की रिमाइंडर डिवीजन 2 से चेक की डिवाइड किया जाएगा, क्या आंसर आएगा, 0। जाहिर सी बात है कि आई की रिमाइंडर डिवीजन 2 से की जाए तो 0 जवाब आता है, तो 0 बराबर है 0 के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली, तो ये वाला ब्लॉक अब एग्जीक्यूट होगा, तो 22 स्क्रीन पर आ जाएगा। ये सिनेरियो तब तक अब इस तरह का चलता रहेगा यहाँ पर, जब तक ये 30 तक ये कंडीशन चलती रहेगी। तो चलें जी इसे कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं, आई होप कि अब आउटपुट सही आएगा। ये देख सकते हैं आप 22 से 30 तक शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आप इवन नंबर तो आपको शो करवा दी, अगर आप ऑड करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इधर कर दें जी नॉट इक्वल, ठीक है, देखिएगा आप ऑड नंबर शो होंगे। जाहिर सी बात है जो जीरो के इक्वल नहीं आएंगे तो वो ऑड नंबर ही होंगे, 21, 23, 25, 27, 29 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन ज़्यादा बेहतर है कि वो डायरेक्टली इंक्रीज करने से, मैं ये चीज़ समझता हूँ, इससे ना लॉजिक ज़्यादा बेहतर रहेगा वो, इसलिए बल्कि वो एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें यह है कि वो क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है कि यहाँ पर रिमाइंडर डिवीजन करके हम चेक कर लें। तो ये एक अगर आप शुरू शुरू में समझ रहे हैं प्रोग्रामिंग को, तो आई होप कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर है इफ कंडीशन वाला, कि आप लूप के अंदर एंटर हों तो इफ कंडीशन लगा के चेक करें कि क्या इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो वो ऑड नंबर है, तो अगर आता है तो वो इवन नंबर है। तो उस तरह से आप उसको स्क्रीन पर शो भी करवा सकते हैं जिस तरह आप चाहें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह से इवन नंबर और ऑड नंबर्स को आपने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर अगर इक्वल टू लगा देंगे कि अगर आई की रिमाइंडर डिवीजन की जाए 2 के साथ, तो इवन नंबर ही स्क्रीन पर शो होंगे प्रिंट एफ के जरिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।